जय माता दी। आइए सुनते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की यह कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती, उनको भोग लगाती थी। ब्राह्मण के घर बस एक ही कमी थी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तुम लगा दो, मैंने पूजा कर ली है। जब भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो ब्राह्मण कहता, तुम कर दो, और ब्राह्मणी कहती, तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजरा हो रहा था। सावन का महीना था और ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा, भोग लगा लो। इस बात से फिर दोनों ने नोक झोंक शुरू कर दी। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर आसान ग्रहण करते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुंचे तो देवरानी जिठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, दूसरे घर गए तो देखा बहू अपने सास से लड़ रही थी, वहां भी बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए, वहां ननद भाभी लड़ रहे थे। चौथे घर गए, वहां भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। जिसके भी घर जाते कुछ न कुछ बुरा वहां उन्हें देखने को मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर पहुंचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटकाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं जानती हूँ, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो। वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग ब्राह्मणी क्या मांगती है। तब ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुलाई बहु दो, हाथ घोड़े दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए, 12 वर्ष की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जो ब्राह्मणी तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला, गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे यह सब
प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौक पूर कर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना। मैं तेरी सात पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुख ही सुख हो गया। सनातन हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनसे जीवन में सुख शांति धन दौलत और खुशहाली का वरदान मांगा जाता है। यहाँ हम आपको लक्ष्मी गणेश पूजन की पूरी विधि बता रहे हैं। माँ लक्ष्मी सदा हम पर प्रसन्नता एवं संपदा की बौछार करती हैं। माँ लक्ष्मी पूजन की शुरुआत बैकुंठपति श्री नारायण की पूजा द्वारा की जाती है। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में जब इंद्रदेव पराजय हुए तो राक्षसों ने उनकी सारी धन दौलत को छीन लिया। नतीजन देवों के राजा इंद्र को पहाड़ों की कंदराओं में शरण लेनी पड़ी। अंत में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई और उनकी सलाह अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा की। इस पूजा अर्चना के कारण अंततः इंद्रदेव को फिर से उनकी खोई हुई धन संपदा वापिस मिली। आइए सुनते हैं माँ महालक्ष्मी का मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करने से उपासकों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन संपदा मिलने के साथ साथ उपासकों का भाग्योदय होता है। जहाँ देवी लक्ष्मी समृद्धि धन समृद्धि और खुशी का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं भगवान गणेश बुद्धि ज्ञान और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इस यंत्र में दोनों देवी देवताओं की सामूहिक शक्तियाँ समाहित हैं। लक्ष्मी गणेश यंत्र की पूजा करने से जीवन में संपत्ति सफलता और शोहरत प्राप्त करने का आपका स्वप्न पूर्ण होता है। अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं या वित्तीय स्थिति आपके लिए चिंता का विषय बन रही है तो यह यंत्र आपके लिए बेहद फायदेमंद है।